नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक निर्माणाधीन छत के क्षतिग्रस्त होकर के गिरने पर मचा हड़कंप। दो लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच एक व्यक्ति को किया गया रेस्क्यू, दूसरे की हुई मौत। सीएम योगी ने पूरे मामले का लिया संज्ञान। डीएम ने भवन गिरने की जाँच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति को किया गठित। दोषियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली व धमकी देने के आरोप में दो शातिर अभियुक्तों रामचरण सिंह और सुधीर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों ने की छापेमारी। 70 अधिकारी कर्मचारी रहे नदारद। सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का दिया निर्देश। कहा, आगे भी चलती रहेगी कार्यवाही। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया का बुधवार को दिल्ली एम्स में हुआ निधन। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान पड़ा था दिल का दौरा। पूरे देश में है शोक की लहर। सदर सांसद रवि किशन ने कहा, उनकी मौत से हूँ स्तब्ध। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए करता हूँ ईश्वर से प्रार्थना। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने एसपी सिटी और एडीएम सिटी के साथ बाल संरक्षण गृह का किया औचक निरीक्षण। बाल अपचारियों का लिया हालचाल। कहा, किसी प्रकार की नहीं पाई गई खामियां। 2019 बैच के 9 प्रोन्नत 520 में से 76 नायब तहसीलदारों के फाउंडेशन कोर्स और वेबसाइट प्रशिक्षण का 3 दिवसीय मासिक परीक्षा सकुशल हुआ सम्पन्न। तहसीलदार चौरीचौरा नीलम तिवारी ने दी जानकारी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 5 दिवसीय स्वर्णिम भारत निर्माण के सेमिनार का हुआ शुभारंभ। कहा, स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं बेहतर सोच बदल सकती है हमारे जीवन की दशा और दिशा। और गोरखपुर फुटबॉल लीग में एमपी फुटबॉल क्लब ने एसएस फुटबॉल क्लब को 3-1 से तथा सेंट्रल ड्यूज फुटबॉल क्लब ने लोको फुटबॉल क्लब को 3-1 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक निर्माणाधीन छत क्षतिग्रस्त होकर के गिर जाने से हड़कंप मच गया और उसमें दो लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका थी, जिसमें एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया, दूसरे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य को युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के निर्माणाधीन भवन के गिरने संबंधी दुर्घटना की जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति में नगर मजिस्ट्रेट के अलावा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड तथा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड भवन शामिल है। इस समिति को घटना की विस्तृत जांच करते हुए दोषियों का उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हुए अपनी आख्या तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि छत गिरने की तत्काल सूचना पर पुलिस टीम, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और एनजीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उनके निरीक्षण में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया। उसको प्राथमिक उपचार देते हुए डॉक्टर की टीम द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दूसरे व्यक्ति का मलबे में दबकर मौत हो गई। आपको बता दें कि इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संस्थापक शरीफ अहमद एडवोकेट हैं और पूरा इस्लामिया कॉलेज वक्फ नंबर 67 इमामबाड़ा स्टेट की भूमि पर बनाया गया है, जबकि 40 के दशक में ये जमीन इमामबाड़ा के तत्कालीन मतवल्ली द्वारा मियां साहब
जॉर्ज इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी को इस शर्त पर दी गई थी कि प्रयोग ना होने की दशा में उसे वक्फ इमामबाड़ा को वापस करना होगा और जमीन का स्थानांतरण किसी अन्य को नहीं किया जा सकता, लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर इस कॉलेज की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कॉलेज की देख रेख शरीफ अहमद एडवोकेट के पुत्र शोएब अहमद के जिम्मे है। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गीडा, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गीडा एवं आजाद चौक, माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर, इन सभी स्कूल कॉलेजों के प्रबंधक शोएब अहमद हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि मानकों के अनुसार जिस कैंपस में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स चल रहा है वहां कोई अन्य संस्थान नहीं चल सकता, लेकिन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए इसी कॉलेज के कैंपस में माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी का भी संचालन हो रहा है। अब देखना यह होगा कि इस दुर्घटना का आरोप किसके सर मढ़ा जाता है। इस दुर्घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर एवं ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, आज
बगल बगल अरे और पीछे चलिए, सामान आने जाने दीजिए, काम ना रोकिए भाई, कहाँ है बात दीजिए, वहीं रह दीजिए, ना ना छोड़ दीजिए, अरे सर को देखना भी तो है, आ जाइए बगल का एक कौन साइड 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 पूरा स्ट्रेचरी रख दो, अच्छा 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 पूरा स्ट्रेचरी रख दो, ऐसे करके स्टिकर बाद में आ जाएगा, बाद में अंदर अंदर पूरा जाने दो, खूब देख लो उसमें, नीचे उतरो नीचे उतरो, अब अंदर जाने दो हम लोग को, सर जाइए हम लोग को जाने दो भाई, डॉक्टर साहब जाने दो भाई, सारन बजाओ यार, सिविल डिफेंस मनोज जी इतनी रस्सी से टूट जाएगा, फट देना हमारे, अब डबल कर लो यार, डबल कर लो, वही आ रहा है ना भैया, ठीक है पीछे भी ध्यान दियो, ठीक है लंबी वो मोटा वाला निकालिए सर, देखना भैया मुला हुआ था, हाँ ये नीचे वाली रुको, हेलो ये लास्ट है, आराम से उधर ध्यान दे रहे कितना जाएगा, इधर नीचे वाला कट हो जाएगा, आराम से हटो आप लोग हटिया वाला हटिया हटिए, अरे वो कर लेंगे, आप छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और लगा पीला माला होगा, रुक जाओ पहले, नहीं 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 नहीं
रुको मत, ये पहले इस बम्बू इधर से काटो, ये बम्बू कटवाइए यार, उधर से सर के पास है, हाथ के पास हो रहा है, यहां से एक बम्बू काटना पड़ेगा, इसको पता चला यहां से काटना पड़ेगा, इधर रहने दीजिए, अभी कुछ हम लोग नहीं बोल सकते, पर हम लोग नहीं करा दे दो, वहां से जरा अंदर जाने का, हट जाओ, लगा आप लोग, हो गया, हो गया तो थोड़ा सा खाली करो, हटाओ मत, हटाओ मत, निकालो ऐसे बस, हटाओ भाई अपने तरफ मत खींचो, जब तक ना बोले तब तक हटो यहाँ से, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोरखपुर में आज शाम को एक निर्माणाधीन भवन के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, और जिसमें हम लोगों के द्वारा रेस्क्यू टीम NDRF SDRF की, इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अग्निशमन की टीम आई, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है हमारा। एक व्यक्ति को हम लोगों ने सकुशल जिंदा बचा लिया, जिसको तत्काल प्रभाव से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, और दूसरे व्यक्ति के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसको हम लोग अभी तलाश रहे हैं और जल्द ही उसको रेस्क्यू करेंगे। अभी जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सूचना दी गई थी, वो दो व्यक्तियों की दी गई थी, जिसमें से एक को हमने बचा लिया है और दूसरे की तलाश जारी है, उसके बाद हम इस पूरे मलबे को हटा के तलाशेंगे, कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं फंसा हुआ है। देखिए, आज शाम में थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्लामिया कॉलेज से एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक निर्माणाधीन छत क्षतिग्रस्त होकर के गिर गई है, और सस्पेक्टेड उसमें दो लोग नीचे दबे हुए हैं। तत्काल इस सूचना पर पुलिस की टीम, फायर सर्विस की टीम, SDRF और NDRF की टीम तत्काल यहां पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि अधिकारियों के निरीक्षण में यहां पर चला है, उसमें एक व्यक्ति को अभी अभी टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है, उसको प्राथमिक उपचार देते हुए डॉक्टर्स की टीम द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ पर उसका आगे का इलाज चलेगा। जो एक सूचना है कि एक और व्यक्ति संभवतः इस मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है, उसके बारे में लगातार NDRF और बाकी जो हमारी टीम्स हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, सभी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आता है तत्काल आपको उस बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, क्या एक ही बिल्डिंग में दो स्कूल चलना संभव है? देखिए, अभी जो प्राथमिक जानकारियां हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसमें यही है कि एक निर्माणाधीन छत थी जो गिरी है, इसके अतिरिक्त जो भी जानकारियां हैं, जो भी सूचनाएं हैं, वो जुटाई जा रही हैं, जैसे जैसे सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो भी चीज़ें हम लोगों की जानकारी में आएगी, आगे चल के उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो चूक हुई है इसकी? देखिए, ये सभी के लिए जो जांच होगी उसमें सारी चीज़ें आएंगी, जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देखिए, इस समय पर हमारी सबसे उच्च प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, और जो लोग यहाँ पर दबे होने की आशंका है उनको सुरक्षित यहाँ से निकालना, उसी में सभी अधिकारी और सभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। इसके बाद की जो कार्रवाई है वो पैरेलल हमारी चल रही है, इसके जो भी हमारे पास जानकारियाँ आएंगी, जो भी जांच में निकल करके आएगा, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। प्रशासन से कोई आया कि नहीं अभी तक? देखिए, अभी हमारे द्वारा यहाँ पर जो जो भी इस चीज़ से लोग जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, जैसे जैसे आते जा रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन उनसे लेते जा रहे हैं। थाने की पुलिस ने अवैध वसूली व धमकी देने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान रामचरण सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी मकान नंबर 268B आजाद नगर रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सुधीर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह निवासी रामनगर धरौरा थाना रोनाही जिला फैजाबाद के रूप में हुई है। SP सिटी ने बताया कि 21 सितंबर को थाना कैंट पर वादी मुकदमा की सूचना पर विश्वविद्यालय चौराहे के पास प्राइवेट बस स्टैंड पर असलहा दिखाकर निर्धारित शुल्क 40 रुपए से बढ़ाकर जबरन 400 रुपए की वसूली करने के विरोध पर कुछ लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सूचना दिया, जिसके आधार पर थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज
भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, सुशील कुमार यादव, कांस्टेबल विनय सिंह, सदर यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अरे ऊपर देखो, सामने देखो। सितंबर 2022 को यहाँ पे जन सुनवाई के दौरान सूचना मिली कि जिला प्रशासन द्वारा 5 पार्किंग का ठेका दिया गया था। उनमें से एक पार्किंग जो रजिस्ट्रार गोरखपुर यूनिवर्सिटी के घर के पास चल रही है, उसमें अवैध वसूली की जा रही है। इसमें जब जांच पड़ताल की गई और दी गई तहरीर के आधार पर 3 मुकदमे पंजीकृत किए गए, उसमें शिव मिश्रा, मुकुंद सिंह एवं एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया एवं 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 386 जैसे गंभीर अपराध में जेल भेजा गया। उसके बाद में फर्दर कार्रवाई के लिए कल मैं एवं सिटी मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर गए और मौके पर जाके अन्य बस वालों से पूछताछ की, तो उन्होंने कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी बात बताई और उस बात के आधार पर एवं तहरीर के आधार पर थाना कैंट द्वारा एक और मुकदमा दर्ज किया गया है एवं 2 और अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर 386 IPC के तहत जेल भेजा गया है। थैंक यू। जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समय से उपस्थिति के लिए मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी गण, उप जिला अधिकारी गणों से विभिन्न कार्यालयों का औचक जांच कराया, जिसमें 70 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें जिला पंचायत राज विभाग में 16, समाज कल्याण विभाग में 4, सहायक अभियंता लघु सिंचाई कार्यालय में 2, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 2, जिला पूर्ति कार्यालय में 3, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन में 1, जिला शिक्षा वर्ग कल्याण अधिकारी 1, खंड शिक्षा अधिकारी भरोइया कार्यालय में 1, निबंधन कार्यालय में 4, खंड विकास अधिकारी पिपराइश कार्यालय में 1, RTO कार्यालय में 3, उप संभागीय परिवहन कार्यालय में 8, उपायुक्त उद्योग कार्यालय में 2, बाल विकास परियोजना अधिकारी कैंपियरगंज कार्यालय में 2, खंड शिक्षा अधिकारी गोला कार्यालय में 1, बाल विकास परियोजना अधिकारी बासगांव कार्यालय में 3, उप निदेशक कृषि कार्यालय में 9, उप निदेशक भूमि संरक्षण कार्यालय में 1, चालक प्रशिक्षण संस्थान में 1 एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ब्रह्मपुर कार्यालय में CDPO सहित 3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट की जांच में विलंब से आने पर 19 कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेते हुए भविष्य में समय से कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज जनपद के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति की जांच की गई। मेरे द्वारा RTO साहब के कार्यालय की जांच की गई लगभग सुबह 10:20 पे, तो मैंने ये पाया कि वहाँ अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी तब तक कार्यालय नहीं आए थे। हमने अपनी रिपोर्ट बना करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी है और नियमानुसार उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कहीं भी जांच की आपके द्वारा? इसके अलावा अन्य अधिकारियों ने अन्य जगहों पर जाँच की। मैंने सहजनवा का जो ब्लॉक कार्यालय है उसकी भी जाँच की, वहाँ पर सभी लोग उपस्थित पाए गए उस समय तक। पिछले 41 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया ने बुधवार की सुबह दिल्ली एम्स में अपने प्राण त्याग दिए। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। पिछले 41 दिन से वेंटिलेटर पर रहने के बाद बुधवार की सुबह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजू श्रीवास्तव के मौत की खबर सामने आने के बाद से ही हर कोई नम आंखों से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दे रहा है। सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि यह बहुत बड़ी क्षति है कॉमेडी जगत के लिए, कला जगत के लिए और राजनीति के क्षेत्र में। वह प्रत्येक क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहे थे। उनके पूरे परिवार के साथ यह देश की अपूर्णीय क्षति है।
वह एक अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे पति और एक अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा कि आज मैं उनकी मौत से स्तब्ध हूँ। मैंने अपना भाई खोया है। हम लोग 30 सालों से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी थे। मुंबई में शुरुआती दिनों में उनका भी संघर्ष चल रहा था और मेरा भी। हम दोनों ने बहुत समय साथ साथ गुजारा। उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि उनकी हालत में भी सुधार हो रहा था। उनकी बिटिया व अन्य परिजनों से लगातार बात हो रही थी। अचानक उनके चले जाने की खबर से मैं स्तब्ध हूँ। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर पहले बंबई हुआ करता था, तब का साथ रहा 30 साल। साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहाँ पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे और आँख खोल दी है, लेकिन ईश्वर की, न शराब न सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने, इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे और हमेशा हंसाना उन्होंने हंसाते रहे, वही यादें रहीं। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहाँ पर फिल्म उद्योग में आए फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में जहाँ सब्सिडी दी जा रही थी। 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा, कभी देख के उनको लगा नहीं था और अचानक आज ये खबर आई है। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में गोरखनाथ स्थित बाल संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि बाल संरक्षक गृह में विभिन्न प्रकार के अपराधों में जो बच्चे निरुद्ध हैं उन सभी बच्चों से हालचाल लिया गया। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण गृह में 180 बच्चे निरुद्ध हैं तथा उनके खाने पीने तथा रहने से लेकर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार की कहीं गलतियां नहीं पाई गई तथा वहां के प्रभारी को आगे के लिए निर्देशित भी किया गया। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जिला जनपद न्यायाधीश एडीएम सिटी एवं मेरे द्वारा आज बाल संरक्षण गृह गोरखनाथ गोरखपुर का मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान जितने भी जो संरक्षण गृह में बच्चे निरुद्ध हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपराधों में, उन सबसे उनकी कुशलक्षेम पूछी गई एवं अभी वर्तमान में 50 से 60 के आसपास की कैपेसिटी की संख्या पे 180 बच्चे उसमें निरुद्ध हैं एवं उसके अलावा वहाँ पे उनके खाना पीना एवं उनसे मिलाने के लिए और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएँ हैं उन सबका इंस्पेक्शन किया गया। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। छोटे मोटे निर्देश वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको दिए गए हैं। थैंक यू। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक निर्माणाधीन छत के क्षतिग्रस्त होकर के गिरने पर मचा हड़कंप। 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच एक व्यक्ति को किया गया रेस्क्यू, दूसरे की हुई मौत। सीएम योगी ने पूरे मामले का लिया संज्ञान। डीएम ने भवन गिरने की जाँच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति को किया गठित। दोषियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली व धमकी देने के आरोप में 2 शातिर अभियुक्तों रामचरण सिंह और सुधीर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों ने की छापेमारी। 70 अधिकारी कर्मचारी रहे नदारद। सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का दिया निर्देश। कहा, आगे भी चलती रहेगी कार्यवाही। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया का बुधवार को दिल्ली एम्स में हुआ निधन। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान पड़ा था दिल का दौरा। पूरे देश में है शोक की लहर। सदर सांसद रवि किशन ने कहा, उनकी मौत से हुए स्तब्ध, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए करता हूँ ईश्वर से प्रार्थना। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने एसपी सिटी और एडीएम सिटी के साथ बाल संरक्षण गृह का किया औचक निरीक्षण। बाल अपचारियों का लिया हालचाल। कहा, किसी प्रकार की नहीं पाई गई खामियां। 2019 बैच के 9 प्रोन्नत 520 में से 76 नायब तहसीलदारों के फाउंडेशन कोर्स और वेबसाइट प्रशिक्षण का 3 दिवसीय मासिक परीक्षा सकुशल हुआ सम्पन्न। तहसीलदार चरिचौरा नीलम तिवारी ने दी जानकारी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 5 दिवसीय स्वर्णिम भारत निर्माण के सेमिनार का हुआ शुभारंभ। कहा, स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं बेहतर सोच बदल सकती है हमारे जीवन की दशा और दिशा। और गोरखपुर फुटबॉल लीग में एमपी फुटबॉल क्लब ने एसएस फुटबॉल क्लब को 3-1 से तथा सेंट्रल ड्यूज फुटबॉल क्लब ने लोको फुटबॉल क्लब को 3-1 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 2019 बैच के 9 प्रोन्नत 520 में से 76 नायब तहसीलदारों का 3 दिवसीय मासिक परीक्षा असुरन स्थित मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय में कराया गया। आपको बता दें कि 76 नायब तहसीलदार का आधारभूत प्रशिक्षण 15 जुलाई से 31 अगस्त तक हुआ है, जिनकी मासिक परीक्षा कराएगी। जिसके संबंध में तहसीलदार चौरीचौरा नीलम तिवारी ने बताया कि 2019 बैच के 520 नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत होकर RI तथा सीधी भर्ती से नायब तहसीलदार आए थे, जिसमें से 76 नायब तहसीलदार का प्रशिक्षण असुरन स्थित मंडलीय राजस्व शिक्षा विद्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स और वेबसाइट प्रशिक्षण 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त हुआ है, उन्हीं की मासिक परीक्षा कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार चौरीचौरा नीलम तिवारी ने कहा, जी
ये 2019 बैच के जिन 520 नायब तहसीलदारों का नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत होकर के आरआई और कुछ सीधी भर्ती से नायब तहसीलदार आए थे, उनका 76 नायब तहसीलदार की प्रशिक्षण यहाँ प्रशिक्षण विद्यालय सुरन पे किया जा रहा है। उन्हीं की मासिक परीक्षा फाउंडेशन कोर्स और व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, जिसमें फाउंडेशन कोर्स समाप्त हो चुका है जो 15 जुलाई से लेकर के आपका ये 31 अगस्त तक था, और उसी का ये मासिक एग्ज़ाम हो किया जा रहा है। कितने लोग इसमें शामिल हैं? जी इसमें 76 नायब तहसीलदार हैं जो शामिल हैं, इसमें की 2 नायब तहसीलदार जो हैं वो मातृत्व अवकाश पे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तथा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समाज सेवा प्रभाग द्वारा जनपद में 5 दिवसीय स्वर्णिम भारत निर्माण का सेमिनार दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन हॉल में मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय सिंह तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया, जिसके संबंध में वाराणसी मंडल के पब्लिक प्रभारी ब्रह्मा कुमारी विपिन भाई ने बताया कि यदि हमारा मन शांत स्थिर और प्रसन्न है तो हम स्वस्थ एवं संपूर्ण बन सकते हैं और यह दुनिया हमारे लिए बेहतर हो इसकी हमें जरूरत है। शारीरिक व्यायाम की तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक व्यायाम सीखने को हम अपने मन को मित्र बना दें, अपने मन की भाषा को समझकर मन से बात करें तो वह हमारी बात को समझेगा और वही संकल्प करेगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं का सही समाधान ढूंढ आगे बढ़ना होगा तथा स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं बेहतर सोच हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। इस अवसर पर बीके शशांक शेखर सिंह, सूरज भाई, सोमनाथ भाई, बीके बेला देवी, बहादुर भाई सहित विश्वविद्यालय के अनेकों प्रोफेसर एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाराणसी मंडल के पब्लिक प्रभारी ब्रह्मा कुमारी विपिन भाई ने कहा, संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन टॉपिक पर भी हम जाएंगे। हम लोग 1 मिनट साइलेंस में खड़े होंगे, खास उन सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, और उसके बाद वर्तमान समय पर जो देश की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए आज का ये सेशन हम प्रारंभ करेंगे। कैन वी ऑल स्टैंड इन साइलेंस फॉर 1 मिनट।
जी, मेरा नाम ब्रह्मा कुमार विपिन भाई, ब्रह्मा कुमार इस मीडिया एवं पब्लिक रिलेशन प्रभारी बनारस जी। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में यह कार्यशाला का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा समाज के हर वर्ग के हर स्तर के उन लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें आध्यात्मिक और सामाजिक हिसाब से संबल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जो समाज में ऐसे लोग हैं जो केवल आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक नैतिक चारित्रिक या आध्यात्मिक रूप से भी विपन्न हैं, जो कमज़ोर हैं, उन्हें कैसे हम उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाएं, उनके मनोभाव में परिवर्तन लाएं, उनके संस्कारों का दिव्यीकरण करें और समाज को एक बेहतर समाज बना सकें। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का समाज सेवा प्रभाग का यह मानना है कि केवल व्यक्ति को हम कुछ पल के लिए भोजन अन्न वस्त्र आदि उपलब्ध करा दें, यही समाज सेवा नहीं है, बल्कि उसको हम इतना सुयोग्य बना दें कि वो अपनी व्यवस्था खुद अपने करने के काबिल हो जाए, तो इस प्रकार उसके जीवन स्तर को आंतरिक रूप से उठाना, उसकी मनोभावनाओं में परिवर्तन लाना। क्योंकि भावनाओं में या संस्कारों में परिवर्तन लाए बिना व्यक्ति का परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए बाह्य रूप से नहीं आंतरिक रूप से उसको सशक्त बनाना, सकारात्मक बनाना इस अभियान का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। उसके तहत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग ने आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष अभियान जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर नाम दिया गया है, उसका आयोजन किया है। और उसके तहत ब्रह्मा कुमारी ने यह लक्ष्य रखा है कि देश भर में 10,000 से अधिक अभियान कार्यक्रम कार्यशाला गोष्ठियों के द्वारा 10 करोड़ से अधिक लोगों के अंदर आध्यात्मिकता का एक नवीन परिवर्तन लाएं, उन्हें संदेश दें और सकारात्मक परिवर्तन की पहल करें। तो उसी के तहत गोरखपुर में यह 5 दिवसीय अभियान का आज शुभारंभ है, आज उद्घाटन समारोह है, जो हम सभी मिलकर इस दीक्षा भवन में आज कर रहे हैं। फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत बुधवार को 2 टीमों के बीच मैच खेला गया, जिसमें पूल ए के मैच में एमपी फुटबॉल क्लब ने एसएस फुटबॉल क्लब को 3-1 से तथा पूल बी के मैच में सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब ने लोको फुटबॉल क्लब को 3-1 से पराजित किया, जिसमें पहला मैच एमपी फुटबॉल क्लब व एसएस फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 3rd व 10th मिनट में प्रियांशु ने एमपी क्लब के लिए लगातार 2 गोल करके अपनी टीम को 2-0 से बढ़त दिला दी। 25वें मिनट में अमृतांश ने गोल करके एमपी क्लब को 3-0 की बढ़त दिला दी। मैच के 48वें मिनट में नितिन टेटे ने एसएस फुटबॉल क्लब के लिए गोल करके स्कोर 1-3 कर दिया। अंत में एमपी क्लब 3-1 से विजयी रही। दूसरा मैच सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब और लोको फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 8 मिनट में पहुंच पांडे ने सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के लिए गोल करके 1-0 की बढ़त दिला दी। मध्यांतर तक स्कोर 1-0 से सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के पक्ष में रहा। 46वें व 54वें मिनट में अमन और रामबाबू द्वारा किए गए गोल की बदौलत सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब विजयी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने कहा, नहीं लगता खिलाड़ी के लिए एक तरह से वारंट में जारी करना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, शुक्रिया। ये तो खिलाड़ी का चुनाव बहुत अच्छा खिलाड़ी बैठ के शाउट कर सकते, इधर बैठ के वो शाउट, वो एक गोलकीपर के पीछे एक इधर एक उधर, ये इट इज नॉट दी वे टू शाउट, है ना। ये एक जगह से जितना शोर मचाना, फिर अल्टीमेट ये कॉलेज कैंपस है, ये प्रिंसिपल नीचे बैठती है। और
तुम ही लोग आते हो। ये मैच SS 11 और MPFC के बीच हो रहा है। ये आज 29वां मैच है गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के मैदान पे, जिसमें MPFC ने 2-0 की बढ़त बनाई हुई मध्यांतर तक। मध्यांतर के बाद का खेल होने जाना बाकी है और इस मैच के तुरंत बाद ही पुले का मैच होना है सेंट एंड्रयूज सॉकर नहीं सेंट एंड्रयूज FC और लोको FC का मैच होना है, वो पूल बी का मैच है। ये आपके समक्ष अभी जो मैच खेला जा रहा है वो MPFC और SS FC का है। ये पूल ए का मैच है, 29वां मैच लीग का, और ये टोटल 45 मैच होने हैं लीग के। 45 मैच के बाद जो फर्स्ट 8 टीमें होंगी अपने अपने पूल से दो दो टीमें, उनके बीच क्वार्टर फाइनल मैच, नॉकआउट दौर शुरू होगा, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल। लेकिन 30 तक ये अभी लीग के मैचेस निरंतर चलते रहना। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक निर्माणाधीन छत के क्षतिग्रस्त होकर के गिरने पर मचा हड़कंप। दो लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच एक व्यक्ति को किया गया रेस्क्यू, दूसरे की हुई मौत। CM योगी ने पूरे मामले का लिया संज्ञान। DM ने भवन गिरने की जाँच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति को किया गठित। दोषियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली व धमकी देने के आरोप में 2 शातिर अभियुक्तों रामचरण सिंह और सुधीर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SK सिटी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों ने की छापेमारी। 70 अधिकारी कर्मचारी रहे नदारद। सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का दिया निर्देश, कहा आगे भी चलती रहेगी कार्यवाही। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया का बुधवार को दिल्ली एम्स में हुआ निधन। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान पड़ा था दिल का दौरा। पूरे देश में है शोक की लहर। सदर सांसद रवि किशन ने कहा उनकी मौत से हूँ स्तब्ध, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए करता हूँ ईश्वर से प्रार्थना। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने SP सिटी और ADM सिटी के साथ बाल संरक्षण गृह का किया औचक निरीक्षण। बाल अपचारियों का लिया हालचाल, कहा किसी प्रकार की नहीं पाई गई खामियां। 2019 बैच के 9 प्रोन्नत 520 में से 76 नायब तहसीलदारों के फाउंडेशन कोर्स और वेबसाइट प्रशिक्षण का 3 दिवसीय मासिक परीक्षा सकुशल हुआ सम्पन्न, तहसीलदार चौरीचौरा नीलम तिवारी ने दी जानकारी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 5 दिवसीय स्वर्णिम भारत निर्माण के सेमिनार का हुआ शुभारंभ, कहा स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं बेहतर सोच बदल सकती है हमारे जीवन की दशा और दिशा। और गोरखपुर फुटबॉल लीग में MP फुटबॉल क्लब ने SS फुटबॉल क्लब को 3-1 से तथा सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब ने लोको फुटबॉल क्लब को 3-1 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।